नमस्कार बच्चों, पुनः मैं आप क्लास टेंथ का मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर मैं आया हूँ। इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, तो उसमें दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए भी मैंने बताया था, और उसका जाँच भी किया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, जिसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अब इसमें जो है दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात हमको ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। कौन विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। आपको मैंने पहले बताया है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको 2 से विभाजता, 3 से विभाजता और 5 से विभाजता का नियम जरूर जानना है। इसके पहले मैंने वीडियो एक डाला हुआ है। बहुत से बच्चों का यह कहना है कि वीडियो साफ नहीं गया है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसको थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ। 2 से विभाजता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह 2 से कट जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि 40 है, इसके इकाई स्थान पर 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। मान लीजिए आपको 242 हम लिख दिए, इसके इकाई स्थान पर 2 है देख रहे हैं ना, तो ये 2 से कट जाएगा। तो इसमें से कोई एक हो तो वह 2 से कट जाएगा। उसके बाद उसमें हमने 3 से विभाजता का नियम बताया था। 3 से विभाजता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के पूरे अंकों का जो 3 से कट जाए तो 3 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए कि हम 246 लेते हैं, 246 के अंकों को जोड़ेंगे तो जोड़िए तो 2, 4, 6, 12 3, 4, 12 यानी 12 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये 3 से पूरी संख्या कट जाएगी, यानी पूरे अंकों को जोड़ लेंगे और 3 से विभाजित करेंगे, अगर वो 3 से कट जाए तो पूरी 3 से विभाजित हो जाता है। 5 से विभाजता का नियम बताए थे, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो 5 से कट जाता है। जैसे मान लीजिए 250 है, इसके इकाई स्थान पर 0 है, ये 5 से कट जाएगा। मान लीजिए 2, 5, 6, 9, 3, 5 कितना बड़ी संख्या ले लीजिए, इसके इकाई स्थान पर देखेंगे 5 है तो ये 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो 0 या 5 हो तो 5 से कट जाता है। इतना ही विभाजता का नियम आपको बताया था, इतना ही जानिएगा तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना ढंग आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं 12 का गुणनखंड करूंगा, तो 12 की इकाई स्थान पर 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 × 6 = 12। फिर इकाई स्थान पर 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6। फिर 15 को देखिए, 15 की इकाई स्थान पर 2 नहीं है तो 2 से नहीं काटेंगे, 3 से देखेंगे, 3 × 5 = 15 कट जाएगा। अब 21 का देखेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 × 7 = 21। अब 12 को लिखेंगे, 12 का लिख देंगे 2 × 3 लिखेंगे, 2 × 3 ये साइड का लिख लीजिए। फिर 15 का 3 × 5 लिख लीजिए। फिर 21 का 3 × 7 लिख लीजिए। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालना है, 12, 15, 21 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब निकालते समय ध्यान देखना है, 2 से अधिक संख्याएं हैं तो तीनों में जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तीनों में कॉमन क्या क्या है देखिए, कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ये तीनों में है तो 3 हम निकाल लेंगे, ये आपका एचसीएफ हो गया। और कोई कॉमन नहीं है, कोई इसमें कॉमन नहीं है। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम हम 12, 15 और 21 का अगर निकालते हैं तो देखिए तीनों में जो कॉमन, इसको पहले निकालेंगे, ये 3 तीनों में कॉमन था, पहले 3 निकालिए गुना। अब ये 2 को देखिए, ये 2 किसी में कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे एलसीएम में, ये 2 लिख दिया। फिर ये 2 कॉमन नहीं है इसको भी लिख देंगे, फिर ये 5 कॉमन नहीं है इसको भी लिख देंगे, फिर ये 7 कॉमन नहीं है इसको भी लिख देंगे, सब लिख दिया गया। अब इसको गुणनफल कर देंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 3 × 6, 6 × 12, 12 + 7, 7 × 7 = 420 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, एलसीएफ और एलसीएम निकल गया। इसी तरह आप इसको और इसको घर पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं थोड़ा एक बड़ी संख्या लेकर अपने स्तर से आपको एलसीएफ और एलसीएम समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें पूरा तरह से बात स्पष्ट नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम 3 संख्याएं लेते हैं, 40, 48 और 60, 3 संख्याएं लेकर इस पर थोड़ा हम आपको समझा रहे हैं। तो 40 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 20 × 40, फिर 2 से करेंगे 2 × 10 = 20, फिर 2 से करेंगे 2 × 5 = 10, फिर 48 का करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 × 4 = 24 हो गया, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 4 कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 × 6 = 12, फिर कट जाएगा 2 से, 2 × 3 = 6, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर 2 से देखिए, 2 से कट जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से
दो एकम दो, दो पाँच दस, पंद्रह हो गया, फिर तीन से तीन पचे पंद्रह हो गया। अब इसको लिख देंगे 40, क्या लिखेंगे, दो गुना दो गुना दो गुना पाँच, ये फॉर्मूला का लिखेंगे। फिर 48 क्या लिखेंगे, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन लिखेंगे। फिर 60 क्या लिखेंगे, दो गुना दो गुना तीन गुना पाँच हमने लिख दिया। अब इसका हम लोग को एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। समझ में आप लोग को आ गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है 40, उसको मिटा देते हैं। 40, 48 और 60 का एचसीएफ, ध्यान दीजिए तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये दो 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 तीनों में कॉमन है, दो निकल गया। फिर ये दो 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 तीनों में कॉमन है, दो निकल गया। अब देखिए, ये दो और दो दो में कॉमन है, लेकिन तीसरा में दो नहीं है तो नहीं निकलेगा। ये पांच और पांच दो में कॉमन है, तीसरा में नहीं है तो नहीं निकलेगा। ये तीन और ये तीन दो में कॉमन है, तीसरा में नहीं है तो नहीं निकलेगा। यानी आपका एलसीएम कितना हो गया, चार हो गया। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम हम निकालते हैं 40, 48, 60 का। थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर आइए, इधर दिखाते हैं एलसीएम 40, 48, 60 का निकाल रहे हैं। तो जो दो कॉमन है पहले निकाल लीजिए, ये तीनों में दो कॉमन है, दो निकल गया। फिर ये दोनों कॉमन है, ये निकल गया। और ध्यान दीजिए, जो कॉमन है ये, जो और जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे। और देखिए, दो गो में कम से कम जो कॉमन होगा उसको भी निकालेंगे। जैसे दो देखिए दो गो में है, तीसरा में नहीं है, फिर भी एक दो इसमें से हम लोग ले लेंगे। दो गो में है तो भी लेंगे, दो गो में तो ध्यान देना इस बात पर कि देखिए एलसीएम के लिए तीनों में होना जरूरी है, लेकिन एलसीएम के लिए कम से कम दो गो में कोई संख्या मिल रहा है तो उसको उभयनिष्ठ है, तो उसको हम लोग दे लेंगे। तो दो निकल गया। फिर देखिए, पांच जो है यहां और यहां मिल रहा है, पांच यहां और यहां मिल रहा है, पांच ले लेंगे। उसके बाद अब क्या बचा, अब देखिए ये और ये संख्या बच रहा है, तो ये और ये फिर ये कॉमन है, यहां देखिए ये तीन निकल गया। अब फिर ये क्या बच रहा है, दो बच रहा है, ये दो यहां लिख देंगे। अब इसको गुणा कर देंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ पर चालीस, चालीस एक सौ बीस, और दूना दो सौ चालीस आपका एलसीएम हो गया। तो इस तरह आप लोग अपने स्तर से संख्याओं को ले लीजिए, दो गो तीन गो चार गो पाँच गो जितना संख्या लें। घर पे जब प्रैक्टिस कीजिए, एक घंटा दो घंटा मैथ पढ़िए, तो आपको ये बनाना ढंग आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में पुनः दूसरे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।